दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि राधे फिल्म रिलीज होने से पहले जी और सलमान दोनों ने यह कहा था कि भाई आप इस फिल्म को देखें और इस फिल्म से जो भी हमें प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा हम दान करेंगे कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। फिल्म को रिलीज होकर आज एक हफ्ता हो गया है, अब तक जी और सलमान की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है कि वो लोग कितना डोनेशन करने वाले हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है उसका कितना परसेंट देने वाले हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या वाकई ही ये लोग दान करेंगे या इनकी नियत बिल्कुल नहीं है कुछ भी दान करने की, और अगर दान नहीं करेंगे तो आखिर क्यों नहीं करेंगे? जब इन्होंने प्रॉमिस किया था तो दान करना ही चाहिए, और ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि सलमान और जी को लोगों से भीख मांगनी पड़ी कि भाई आप हमारी फिल्म देखिए और अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो उसमें से हम कुछ दान करेंगे। एक्चुअली जिस दिन इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ दुनिया को उसी दिन पता चल गया था कि यह फिल्म एक वाहियात किस्म की फिल्म होगी, और आज की तारीख में VFX वाले दद्दू सलमान को देखने की किसी की भी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है, और वो भी पैसे देकर। चलो कोई फ्री में दिखाए जैसे वेब सीरीज दिखाई जाती हैं, तब भी एक बात है कि चलो भाई सलमान जैसे एक्टर को भी झेल लिया जाए। तो जब इनको एडवांस में ही पता चल गया था कि फिल्म नहीं चलेगी तो इन्होंने एक तरकीब सोची। इनकी PR कंपनी ने इनको सजेस्ट किया होगा कि आप पब्लिक से कहें कि वो आपकी फिल्म देखें और जो प्रॉफिट होगा उसमें से आप एक हिस्सा कोरोना से लड़ने के लिए दान करेंगे। तो एक तरह से इन्होंने लोगों को लालच दिया और लोगों को बेवकूफ बनाया। बट मेरी समझ में नहीं आया कि सलमान भाई ये किस किस्म की चैरिटी है कि पहले आप गरीब लोगों से भीख मांगते हैं कि खुदा के वास्ते आप मेरी फिल्म देखो, मुझे पैसे दो, और जो पैसे आएंगे उनमें से फिर मैं आपको दान दूंगा। तो यानी आप उन्हीं गरीब लोगों से पैसे लोगे और अगर समझो आपको 100 रुपया मिला तो उसमें से 10 रुपए वापस उन्हीं को दान करोगे। ये तो वही बात हुई कि ये सियासत भी कमाल करती है, पहले छीन लेती है आंखें और फिर चश्मे दान करती है। तो यानी पहले आप गरीबों को इमोशनली ब्लैकमेल करोगे, उनको अपनी फिल्म दिखाओगे, उनके पैसे ऐंठोगे और फिर उन्हीं पैसों में से कुछ पैसे उनको वापस दान करोगे। कमाल की चैरिटी है भाईजान आपकी, जबरदस्त। तो खैर हुआ ये कि फिल्म हो गई है जबरदस्त सुपर फ्लॉप। फिल्म ने मुश्किल से शायद 20 या 25 करोड़ का ही बिजनेस किया है, तो यानी जी के तकरीबन 100-125 करोड़ पे पानी फिर गया है। और जब इतना बड़ा लॉस हुआ है तो जाहिर सी बात है जी वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। अब वो बेचारे कहां से दान करें, उनका खुद का ही इतना भारी भरकम नुकसान हो गया है, क्योंकि उनको तो शारिक पटेल ने लंबी लंबी बातें बताई थी कि मैं फिल्म को 499 रुपए में दिखाऊंगा लोगों को, मैं 250 रुपए में दिखाऊंगा लोगों को, और इस फिल्म का बिजनेस तकरीबन 700-800 करोड़ का होने वाला है। तो शारिक के झांसे में जी वाले आ गए, और ये जो शारिक है इसकी शक्ल देखो, शक्ल पे ही लानत है। ये आदमी जिस काम में हाथ डालेगा उस काम का बिगड़ना तय है, ये आदमी जिस कंपनी में खड़ा हो जाएगा उस कंपनी का बंद और तबाह होना डेफिनेट पक्का है। एक तरह से कहा जाए तो ये शारिक पटेल भी बहुत बड़ा पनौती है, जिस फिल्म के साथ इसका नाम जुड़ जाता है उस फिल्म का सुपर फ्लॉप होना तय हो जाता है। खैर तो जी का 100-125 करोड़ रुपया डूब गया। इधर सलमान खान साहब और उनकी PR एजेंसी कह रहे हैं कि भाई 700-800 करोड़ का बिजनेस हो चुका, तो जाहिर सी बात है जी वाले फंस गए, आगे खाई और पीछे गड्ढा, जिधर भी जाए गिरना तय है। तो जी वालों ने क्या किया, जी वालों ने अपने एक एम्प्लॉय कोमल नहाटा जो जी के एक चैनल ETC पे काम करता है उससे कहा कि भाई साहब आप एक वीडियो बनाइए, उसमें सच सच बताइए और रिलीज कर दीजिए, पब्लिक को बताइए कि भाई हमारा नुकसान हो गया है, हमें कोई फायदा हुआ ही नहीं, जब हमें फायदा नहीं हुआ तो हम दान कहां से करें, और जो भी सलमान खान कलेक्शन बता रहा है वो बिल्कुल झूठ है, सच ये है कि फिल्म सुपर फ्लॉप हो चुकी है। खैर जी वाले कुछ भी कहें, हम तो नहीं उनकी बात मानते, हम तो अपने भाई
जान सलमान खान की बात मानेंगे, हम तो उनसे प्यार करते हैं। सलमान भाई, पहले दिन की ओपनिंग आपके हिसाब से हुई थी तकरीबन 105 करोड़ की और लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 700 करोड़ रुपए का। और भाईजान, आपने खुद ही कहा है कि जो भी आप कमाते हैं उसका सिर्फ 10% आप रखते हैं, 90% चैरिटी कर देते हैं। जरा सुन लीजिए, आपने आपकी अदालत में क्या कहा था। किसी फिल्म ने 100 करोड़ बनाए, किसने 200 करोड़, किसने 300 करोड़, और फिर आपके जो बैंक अकाउंट है उसकी भी कुछ खबर निकाली। अच्छा, मेरे बैंक जितनी कमाई आप करते हैं उसका 10% आपको मिलता है और 90% आप चैरिटी में देते हैं। ये सच है? ये सच है कि मैं वाह, क्या तालियां बजी है ना भाईजान, लोग कितने खुश हो गए ना, और आपकी तो कितनी वाहवाही हो गई, आपके चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट आ गई, आप खुश हो गए कि देखो मैंने पब्लिक को बेवकूफ भी बना दिया और तालियां भी बजवा ली और दिया भी कुछ नहीं। और रजत शर्मा साहब तो आपकी चाट रहे हैं, और वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि रजत शर्मा आपकी क्यों चाट रहा है, उस पे मैं एक अलग से रिव्यू बनाऊंगा, फिक्र मत कीजिए, छोड़ूंगा इसको भी नहीं। खैर, अगर आप सच्चे और अच्छे आदमी होते तो आप रजत शर्मा को फौरन टोकते और कहते कि नहीं सर, ये आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। आप लोगों को बेवकूफ बनाकर झूठ मूठ अपनी वाहवाही नहीं कराते। खैर, 700 करोड़ का 90% बनता है तकरीबन 630 करोड़ रुपए, तो भाईजान अब आप 630 करोड़ रुपए दान कर दीजिए। लेकिन आप कहां से दान करोगे? आपने कभी किया है जो अब करोगे? आप तो अपना बुखार भी किसी को ना दें, दान करना तो बहुत दूर की बात है, आप तो गरीबों के खाल तक उतार लें, आप तो गरीबों को ब्लैकमेल करते हैं, गरीबों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी फिल्म देखिए, गरीबों को बेवकूफ बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप दान कैसे कर सकते हैं। आप ही की फिल्म दबंग के डायरेक्टर कश्यप साहब ने कहा है, जिसने तकरीबन 2-3 साल आपके साथ बिताए, दिन रात आपके साथ रहा, तो जाहिर सी बात है उसको तो अंदर तक की सारी खबर है, तो उसने ऑफिशियली कहा है कि अगर आप 5 साइकिल दान करते हैं तो 500 साइकिल बीइंग ह्यूमन के अकाउंट में लिखते हैं, क्योंकि बीइंग ह्यूमन के नाम पे आप सरकार को टैक्स नहीं देते, सैकड़ों करोड़ रुपए सालाना का टैक्स बचाते हैं, उन सैकड़ों करोड़ में से तकरीबन 5-10-15 करोड़ रुपए आप दान कर देते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि देखो भाई सलमान कितना दानवीर है, सलमान कितना बड़ा धर्मात्मा है, सलमान कितना बड़ा महात्मा है, सलमान कितनी चैरिटी करता है। लेकिन सलमान अपनी जेब से तो एक रुपया भी चैरिटी नहीं करता, सलमान खान तो उस टैक्स में से दान देता है जो उसने सरकार से बचाया है बीइंग ह्यूमन के नाम पे। तो अगर 100 करोड़ रुपए बचाए हैं और उसमें से 10 करोड़ दान कर दिए हैं और 90 करोड़ खा गए हैं, तो ये चैरिटी तो बिल्कुल नहीं हुई, ये तो एक्चुअली चैरिटी के नाम पर डकैती हुई। सलमान खान की सालाना इनकम तकरीबन 500 करोड़ रुपए होगी, तो कम से कम कुछ नहीं 150 करोड़ रुपए का सालाना टैक्स बनता है। सलमान ने किसी भी साल में, मुझे बताइए, जब उसने 100 करोड़ या 125 करोड़ या 150 करोड़ की चैरिटी की हो? सलमान खान 10-20 करोड़ रुपए की चैरिटी करके बीइंग ह्यूमन के अकाउंट में चढ़ा देता है कि भाई ये 150-200 करोड़ रुपए की चैरिटी हो चुकी है, यानी वहां सरकार को चूना लगा रहा है और इधर पब्लिक को चूना लगा रहा है और बीच में खूब माल बना रहा है। जबरदस्त चैरिटी है भाई जी आपकी। सलमान भाई, आपने डोनेशन का प्रॉमिस किया और आपको डोनेशन नहीं देना, मत दीजिए, कोई बात नहीं है, बट सच बोलिए, कबूल कीजिए कि भाई आपकी फिल्म सुपर फ्लॉप हो चुकी है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है और इसलिए आप डोनेशन नहीं दे सकते, और कम से कम बेचारे जी वालों को एक बार सॉरी तो बोल दो कि भाई साहब आप लोगों को मैंने एक ही फिल्म में बर्बाद कर दिया है, आप लोगों को एक ही फिल्म में सड़क पर ले आया हूं। वैसे आपने ये काम बहुत अच्छा किया, ये चैनल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चैनल फेक न्यूज की फैक्ट्री है और इसको अगर आप बंद कराओगे तो आपको हम दुआएं ही देंगे, हमें इसमें बिल्कुल कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक राधे जैसी और फिल्म इनको दे दो और इस पे ताला लगवा दो, मजा आ जाएगा भाईजान। खैर, आपको सच तो बोलना ही पड़ेगा, ये तो आपको कबूल करना ही पड़ेगा कि भाई आपकी फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि देखिए जिसके पीछे मैं लग जाता हूं उसकी मैं लाइफ बना देता हूं। आपके सामने की बात है, अक्षय कुमार ने पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को कम से कम 10-12 साल बेवकूफ बनाया, 10-12 साल तक यही कहता
करता रहा कि मैं इंडियन हूं। फिर मैं उसके पीछे लगा, 10-12 महीने के अंदर ही उसको मजबूर कर दिया ये कबूल करने पे कि हां मैं कैनेडियन हूं, मैं इंडियन नहीं हूं। बस मेरे पास एक वो छोटा सा पासपोर्ट नहीं है इंडिया का, नहीं तो मैं दिल से तो इंडियन हूं। तो देखिए, जब हमने अक्षय कुमार से कबूल करवा दिया तो आपसे भी कबूल करवाकर ही दम लेंगे। देखिए सलमान भाई, मेरा आपसे पर्सनल कोई बैर नहीं है, ना ही तो मेरी आपसे दोस्ती है, ना ही मेरी दुश्मनी है, ना ही मेरा आपके साथ कोई बिजनेस है, ना ही आप मेरे रिश्तेदार हो। तो जाहिर सी बात है, पर्सनल बैर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा बैर आपके झूठ से है। आप पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए, मैं आपके बारे में वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं तब तक आपके बारे में वीडियो बनाता रहूंगा जब तक आप पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहेंगे। आप राधे जैसी सुपर फ्लॉप वाहियात फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताते रहेंगे। देखिए भाई साहब, एक बात तो आप मान लीजिए कि सच्चाई कितनी भी छोटी हो, लेकिन इन द एंड जीत तो सच्चाई की ही होती है, और झूठ कितना भी बड़ा हो, इन द एंड झूठ की हार होनी ही होनी है। तो आपकी हार तय है और आपको कबूल करना पड़ेगा कि अब यंग बच्चे आपको देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब आपको बाप और दादा के रोल करने चाहिए। आप ये 20-25 साल के लौंडे बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब पब्लिक और आपके बीच में मैं खड़ा हूं। मैं आपके झूठ को चलने नहीं दूंगा। आप कितना भी झूठ बोलिए, मैं पब्लिक को सच बताऊंगा। हो सकता है आप और 1-2 साल थोड़े बहुत लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाए, जो आपके बहुत ही बड़े वाले फैन है, बट आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी समझ में आ जाएगा। सच्चाई मैं बताता रहूंगा, और जैसे मैंने कहा कि इन द एंड जीत तो सच्चाई की ही होगी। टेक केयर भाई। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो, लाइक जरूर करो, क्योंकि सलमान के फैन डिसलाइक करेंगे, आपको लाइक करना है। और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वो घंटी दबा दो ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए।